शहर के वासेपुर में मंगलवार को फहीम खान के करीबी का शव भूले ट्रेनिंग स्कूल के पास झाड़ियों में देखा गया। स्थानीय लोगों ने मामला की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। बताया जाता है कि जेल में बंद फहीम खान के करीबी शेर खान का भगना गुल खान का छत बिछत शव भूले ट्रेनिंग स्कूल के समीप झाड़ियों में देखा गया। चेहरे पर गहरे चोट के निशान पाए गए हैं। वर्तमान में गुल खान फहीम खान के घर पर ही रहता था। मंगलवार की दोपहर लोगों ने एक शव झाड़ियों में देखा तो पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस के आने पर मृतक की पहचान गुल खान के तौर पर हुई। पुलिस मामले की जांच में वासेपुर के कुछ लोगों की आवाज पर गई, जहां मृतक के हत्या के कारणों और हत्यारों को खोजे जा रहा है। रेलवे पटरी है ना, हजार नगर, वहाँ पटरी के बगल में बॉडी मिली थी। उनके घर वाले में पहुंच गए, घर वाले पहुंच गए थे, तब हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ मिल गए। इसके बाद आगे प्रक्रिया जांच। सर कौन हुआ सर, क्या नाम? अभी कुछ पता ही नहीं है, अभी जांच प्रक्रिया चालू है। दोनों तरफ से किसी कंप्लेंट किया गया क्या? अभी किया जाएगा, अभी सारा प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो गया है, जाँच वगैरह। अभी तक कंप्लेन नहीं, रिटर्न कंप्लेन नहीं आया है। शव को देखने से क्या लग रहा था? चोट है, बॉडी में चोट है, आगे नहीं बताया जा सकता जब तक कुछ रिपोर्ट नहीं आया। अभी कुछ जानकारी, कुछ जानकारी कहाँ का व्यक्ति था ये? हाँ, जानकारी तो है, बैंक मोड़ का, बैंक मोड़ थाना अंतर्गत, मृतक का बात बोल रहे हैं, वासेपुर का मृतक। नाम क्या? गुल खान है, पिता का नाम पीर गुल खान। पप्पू ये बताओ कि क्या है पूरा घटना? देखिए, हम लोग कुछ नहीं मालूम, हम लोग अपना ऑफिस में बैठे हुए थे, तब तक एक ऑटो चालक आ करके बोला कि वहाँ पे एक बॉडी गिरा हुआ है, बॉडी समझ में नहीं आ रहा किसका है, थोड़ा सा आप लोग जाके देख लीजिए। तो हम लोग दो तीन लड़का पहुँचे ऑफिस से, वहाँ तो हम लोग देखते हैं कि तो अपना लड़का है, खान है। तो बस यही हम लोग को इतना मालूम चला, तो उसके बाद उठा करके हम लोग यहाँ सीधा लेके चले आए। तो ये आपको कब पता चला कि आप उनसे कब मिले थे और वो कब कब घर से निकले? वो हम लोग को देखिए 10:30-11 बजे हम उसको मिले, और उसी टाइम वो घर से निकला। उसको किसी दोस्त का फोन आया था कि क्या पता नहीं, उसका मोबाइल अभी तक नहीं मिला। ठीक है, उसका मोबाइल अभी तक नहीं मिला, मोबाइल मिलेगा तभी कुछ पता चलेगा। क्या काम करता था, कितना उम्र था? ये कुछ नहीं, पढ़ाई करता था, 18 से 19 साल हो रहा था। कहाँ पढ़ाई करता था? ये मौलाना आजाद हाई स्कूल। अभी अस्पताल लाए, क्या भी बोले थे? डॉक्टर जवाब दे दिया। क्या वजह, किस क्या वजह? चोट है, सर पे है, आगे और पीछे और हाथ में। गोली सब भी लगी है या फिर किसी धारदार हथियार से? धारदार हथियार से हमला किया गया। धारदार हथियार से, पेट में भी थोड़ा सा है, धारदार हथियार ही से मारा। कहाँ? ये जंगल में, रेलवे लाइन के किनारे में जंगल है, वहीं पे तारा मोड़ के पास ट्रेनिंग स्कूल। क्या लग रहा है, किनके द्वारा किया गया? देखिए, इसमें अभी कुछ नहीं हम लोग बता सकते। किसी पे शक वगैरह है आप लोग को? अभी किसी का नाम कुछ नहीं बता सकते हैं, वो देखेंगे। किनके साथ रहते ये? किसी के साथ नहीं, इसका अपना माए बहन का ही करता है, अपना पढ़ाई करता है, माए बहन का इधर उधर काम करके। ये क्या फहीम खान के फुफेरे भांजा है? हाँ, वो भांजा है, लेकिन कोई नहीं, अपना काम करके अपना परिवार को पोसता। कहाँ रहते हैं? वासेपुर में। उनका क्या नाम है? गुल खान। पप्पू।